तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो गाइस, अभी माइकल पुलिस ड्रेस में है और वो आया है अपने घर ड्रेस चेंज करने, बिकॉज उसे आज मीटिंग में जाना है एक इंस्पेक्टर के साथ। हाँ, उसे एक इंस्पेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। तो माइकल थोड़ा सा नर्वस भी है कि उस पुलिस ऑफिसर ने आखिर माइकल को क्यों बुलाया है। तो इसलिए माइकल वहाँ पे पुलिस ड्रेस में नहीं जाना चाहता था, उसने ड्रेस चेंज की है और वो अपने घर से निकल चुका है उस इंस्पेक्टर को मिलने के लिए। तो गाइस, थोड़ा सा डाउट भी है कि आखिर उस इंस्पेक्टर ने माइकल को क्यों बुलाया है। जैसा कि हमारे पहले के गेम प्ले में हमने देखा कि माइकल ने कई चोरियां करी थी, तो माइकल थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं वो इंस्पेक्टर इसी के रिगार्डिंग उसको तो नहीं बुलाया। तो फाइनली जहां पे उस इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया है माइकल को, वो वहां पहुंच चुका है और फाइनली वी आर गोइंग टू मीट हिम। तो चलते हैं यार, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। तो मे बी ये प्रेस वगैरह वाले तो नहीं, ये तो गुंडे जैसे लग रहे हैं। और ये देखें इनकी अकड़। भाई निकालूं क्या तेरी अकड़? चल जाने दे, क्योंकि अभी मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मुझे मिलना है पुलिस इंस्पेक्टर से। तो गाइज, ये शायद ये मोटा है जो, हाँ ये यही हो सकता है पुलिस इंस्पेक्टर। हेलो, क्या आपने मुझे, अरे यार ये तो निकल गया, मतलब इसने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, ये मोटा मुझे रास्ता दिखा रहा है कि तू ऊपर की तरफ जा। तो फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे किस इंस्पेक्टर ने, अच्छा तो ये है वो इंस्पेक्टर जिसने मुझे बुलाया है और इसका नाम है डेव। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे डेव है जो मुझे पहले से जानता है और यहाँ पे डेव मेरे से डिस्कस कर रहा है कि अभी जो ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई है वहाँ पे उसे पता है कि माइकल ने ही वो काम किया है, क्योंकि इतनी सफाई से सिर्फ माइकल ही कर सकता है। तो डेव ने बोला है कि मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एक काम कर, इस बंदे को लोग कह रहे हैं कि मर गया है, तो तुझे हॉस्पिटल जाके इसकी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। तो माइकल बोल रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा कैसे, तो कह रहा है उसका सोल्यूशन है मेरे पास। और ये देखिए, माइकल के सर पे उसने चोट पहुंचा दी है और माइकल बेहोश हो गया है और वो फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गया है। तो गाइस, यहाँ पे माइकल एज ए डेड बॉडी आया हुआ है और देखिए यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और ये जो मेडिकल वर्कर्स हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी मौत किस वजह से हुई। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइकल अभी मरा नहीं है और ये देखिए, ये जस्ट प्लान था डेव और माइकल का कि वो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेंगे। तो फाइनली गाइस, ये दोनों मेडिकल्स वर्कर को इसने भगा दिया है और एक को बेहोश कर दिया। तो फाइनली इसने अपने कपड़े पहन लिए हैं और ये देखिए, अब इस ऑपरेशन थिएटर में गार्ड की भी एंट्री हो चुकी है। तो माइकल साइलेंटली इस गार्ड को पहले मारेगा और फिर उसके बाद जो वहाँ पे बॉडीज रखी है उसमें देखने की कोशिश करेगा कि जिसको डेव ढूंढ रहा है उसमें से वो है या नहीं है। तो पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं और फाइनली इसे हमने मार दिया है और हमें मॉर्जगो की बॉडी ढूंढनी है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, ये फीमेल की है और ये तो नहीं है। तो हम जाते हैं सेकंड बॉडी पे और यहाँ पे देखते हैं कि वो जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो ये है नहीं। तो माइकल फटाफट डेव को फ़ोन मिला रहा है और उसे कन्फर्म कर रहा है कि यार यहाँ पर कोई भी मेल की डेड बॉडी नहीं है, यहाँ पे डेड बॉडी है वो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की। तो यहाँ पे डेव ने उसे बताया है कि आई थिंक वो मरा नहीं है, तो फटाफट उस हॉस्पिटल से निकल, क्योंकि अगर तू पकड़ा गया तो इसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। तो अब माइकल को इस हॉस्पिटल से फटाफट निकलना है और भागना है यहाँ से, क्योंकि अगर इन मेडिकल वर्कर ने इसे पकड़ लिया और ये पुलिस में अरेस्ट हो गया तो फिर इसे बताना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो फाइनली गाइज, हम इनको, ये देखिए ये गन से मुझे मार रहे हैं, तो मेरा
मोटिव यह है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी चोट ना पहुंचाऊं और फटाफट इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूं। तो मुझे ढूंढना है एग्जिट पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट है सेकंड फ्लोर पे। तो फाइनली मैं सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ चुका हूँ और यहाँ से मुझे ढूंढना है एग्जिट पॉइंट। तो जितने भी ये गार्ड्स हैं और मेडिकल वर्कर जो मेरे पे हमला कर रहे हैं, मैं उनको फाइनली मार रहा हूँ, बट जान से नहीं मार रहा हूँ। तो फाइनली मैं ये देखी कि इसे भी लगा, बच गया। चल तू फिर निकल पतली गली से। तो गाइस इसको मैंने पतली गली से निकाल दिया है और अब फटाफट यार गोलियाँ तो बहुत चल रही है। और बट ये देखिए ऊपर, चल भाई, अरे यार तो मरे, चल निकल पतली गली से। तो एस्केप थ्रू द विंडो आ चुका है और अब यहाँ से मुझे इस विंडो से बाहर निकलना है। तो फटाफट पहले तो मैं गेट को तोड़ूंगा। तो गाइस यार मेरे पास गन भी है, मैंने गन कलेक्ट कर दी है, तो वाई नॉट आई यूज़ माई गन। तो ये फटाफट मैंने गन से इस विंडो को तोड़ा और मैं विंडो से बाहर। तो गाइस अब यहाँ से मुझे भागना है क्योंकि मैं मेडिकल वर्कर्स और वहाँ के गार्ड से बच गया हूँ, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फटाफट जो भी ये कार है, किसी की भी हो भाई, मैं तो नहीं पता, मुझे बस यहाँ से भागना है क्योंकि पुलिस जस्ट मेरे पीछे पड़ चुकी है। और अब मेरा जो टारगेट है पुलिस से पीछे छुड़ाना है, बिकॉज पुलिस ने पकड़ लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ से भागता हूँ और मैं उस नाले वाली सुरंग से भागने की कोशिश करूँगा जहाँ से हमने बैंक रॉबरी करके भागे थे, और देखते हैं कि वो सुरंग मुझे मिलता है कि नहीं। तो भाई सबसे पहले तो मुझे इस नाले में जंप करना पड़ेगा। ओह नो। तो गाइस आई होप कार सही सलामत हो क्योंकि यहाँ पे कोई कार भी नहीं है। तो फाइनली गाइस अब यहाँ से मैं भागता हूँ। तो भाई गाइस देखे कि ये पुलिस वाले इस नाले में भी आ चुके हैं और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं इस नाले में ही भागता हूँ जितनी दूर तक मैं भाग सकता हूँ। इसमें देखिए बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये आई थिंक ये पुलिस वाले हैं क्या। तो फाइनली गाइस यहाँ पे थोड़ा नीचे का साइड आ गया और मेरी कार हो गई है, डूब गई है मतलब। तो मैं क्या करता हूँ कि इन पुलिस वालों की जो ये वैन है, जो ये कार है, इसको लेके मैं भागता हूँ और पुलिस वालों से पीछा छुड़ाता हूँ। तो फाइनली मैंने पुलिस वालों की कार ले ली है और ये देखिए पुलिस की एंट्री हर जगह से हो रही है और हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। तो फाइनली अब यहाँ से मुझे भागना है और मुझे पीछा छुड़ाना है इन पुलिस वालों से। तो यार यहाँ पे फिर से कार डूब गई है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहूँगा ताकि जो एयर पुलिस है वो उससे बच सकूँ। तो फाइनली मेरी सांसें हैं वो रुकने लगी है, तो मैं फटाफट ऊपर जाता हूँ और भागता हूँ। तो गाइस देखिए पुलिस से मैंने पीछा छुड़ा लिया है और मैं फटाफट डेव को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई ये इतनी बड़ी खतरनाक वाली मिशन तूने मुझे क्यों दी है। एक तो मेडिकल वर्कर्स मुझे डेड बॉडी समझ के मार देते और दूसरा ये पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो गाइस डेव का मैसेज आया है कि उसके बॉस माइकल से मिलना चाहते हैं, तो अब मुझे डेव के बॉस से मिलना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का गेम प्ले आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।